अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा दोस्तों, ये मैंने गौदंती का जो कुछ था आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो ये अभी इसको मैंने ये तोड़ा साइडों से। ठीक है, अभी इसको खोलते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ था हमारा गौदंती जो है बिल्कुल ऐसे जैसे सफ़ेद बराक। ठीक है, तो ये वेट में भी पूरा ही होगा। ठीक है, तो इसको पीसना नहीं है आपने, कंडा चला वे। ठीक है, और ये दूसरी भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 70 ग्राम डाली थी, तो अभी ये 52 ग्राम है। ठीक है, तो ये अभी इतनी ही रहेगी जितनी मर्ज़ी आप इसको पुट्ठे दे लें। ठीक है, तो ये अभी इसको पीसना नहीं है। ठीक है, ये ऐसे भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो अभी नहीं इसको पीसना। अभी इसी तरह आपने इसको दो बार जो है ना वो ये नीम की पुट देनी है। ठीक है, लेकिन अभी इसको एक बार अजवाइन देसी की पुट देंगे हम। ठीक है, तो उसमें हम अजवाइन को दरदरा करके उसमें कुवार गंदर का पानी मिलाना है अपने। ठीक है, गुद्दा डाल लें चाहे पानी डाल लें, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, तो उसको गुद्दा मिला के उसका पेड़ा बनाना है। ठीक है, आधा नीचे और आधा ऊपर, बीच में ये दोनों डलियाँ। ठीक है, और इसको आपने आग दे देनी है। ठीक है, आग उसको देने के बाद जब ये निकलेगी, ठीक है, तो फिर आपने उसको एक बार फिर नीम के पत्तों में आपने उसको आग देनी है। ठीक है, आप इसको जितनी आगे देंगे ये उतनी अक्सीर होगी। ठीक है, तो बाज़ तो सिर्फ़ एक ही आग में इसको ये खला लेते हैं। ये देखें, ये टूट टूट के हाथ में आ रही है। ठीक है, तो इसको बड़े एहतियात से आपने करना है। तो अभी नहीं इसको आपने पीसना। तो कई हकीम जो होते हैं ना, वो एक ही पुट में इसको खिलाना शुरू कर देते हैं, तो काम तो वो भी करती है लेकिन वो इतना जल्दी नहीं करती है। ठीक है, जो ज़्यादा ताकतवर होगी वो ज़्यादा काम करेगी। आखिरी दो पुट्ठे ये देने के बाद, ठीक है, फिर आपने करंजुआ लेना। करंजुए के बीज ले लें, पत्ते ले लें, जो भी आपको मिलता है, तो उसकी आपने एक पुट देनी है आपने। ठीक है, तो ये फिर आपकी जो है ना फिर मेडिसिन बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अगर इसको और आगे लेके जाना है तो इसी में 10 ग्राम का 1 ग्राम संख्या डालना आपने। ये 50 ग्राम है ना, 5 ग्राम संख्या डलेगा और 5 ग्राम इसमें हड़ताल वर्किया डलेगी। इसको आपने खल करना, पहले हड़ताल वर्किया और संख्या की आप खल करने। खल करने के बाद फिर आपने उसको कुवार गंदर के पानी में आपने उसको उसकी पसाई करनी है। फिर ये दोनों डाल देनी है, फिर इसकी पसाई होगी। पसाई करने के बाद जब ये बिल्कुल ये इसकी टिक्की बनने के काबिल हो जाए, तो इसको आपने निकाल कर 5 किलो की आपने इसको आग देनी है। ज़्यादा नहीं देनी, सिर्फ 5 किलो की आपने आग देनी है। तो जो भी कुश्ता आपका आएगा बाद बीच में निकलेगा, वो सबसे अक्सीर, ठीक है, जो मैंने पहले फ़ायदे बताए हुए हैं। ठीक है, तो जिधर आप इसको मर्जी ले जाएँ। ठीक है, तो अगर आप इसको शुगर के ऊपर लेना चाह रहे हैं तो वो प्रोसीजर एक अलहदा है उसका। ठीक है, तो वो कई जड़ी बूटियों के इसको पानी पिलाने पड़ते हैं, तो फिर यह जाके जो है ना शुगर पर ये काम करते हैं, तो वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो आप ये बनाएं। अभी ये मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, जब इसकी मैं टिक्की, जब इसको मैं वो संख्या और उसकी मैं हड़ताल भर की जब पुट दूँगा, तो फिर मैं आपको ये अपलोड करूँगा वीडियो। तो बाकी प्रोसीजर मैंने बता दिए, वो आप कर लो। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो डालूँगा बना बना कर, तो फिर वो अच्छा नहीं है कि एक ही कुश्ते की बार बार वीडियो डाली जा रही है। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने बता दिया है, तो बकिया जो है ना वो आखिरी फोटो में आपको दिखा दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।